सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विजन एंड फलकनरी को। सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन पे क्लिक करें और बगल में इस घंटे पे भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन शो होंगे और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। हेलो गाइस, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, कबूतर दाने आजकल कम खा रहे होंगे या फिर खाते भी हैं तो दाने पच नहीं पाते। तो आज जो ब्रीड बताऊंगा वो काफ़ी डाइजेस्टिव है, जो उनके डाइजेशन को काफ़ी इम्प्रूव करेगा, उनके दाने को भी पचाएगा और हो सकता हो कि दाने छोड़ के वो ग्रीड ही खाने लगे ज़्यादा। तो आइए शुरू करें। ये है चिकनी मिट्टी, जो आपके आपके घर के वाटर टैंक में आराम से मिल जाएगी। जब भी आप वाटर टैंक साफ करें तो जो मिट्टी निकलती है उसे आप कहीं किसी डब्बे या किसी बोरे में रख लें और फिर उसी में से यूज़ करें। तो ये होता क्या, ये क्लीन होती है, इसमें बैक्टीरिया नहीं होते, वर्म्स नहीं होते, इंसेक्ट्स नहीं होते, उनके एग नहीं होते। और ये है लाल बालू, जिसको कुछ लोग मोरंग बोलते हैं, लाल बजरी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे रेड सैंड बोलते हैं। और ये है जिप्सम सॉल्ट, ये इस तरह का होता है, आपको इस तरह से चूर करना पड़ेगा इसे महीन पाउडर की तरह, ये इस तरह से होता है जिप्सम सॉल्ट, सेंधा नमक इसे बोलते हैं। और कैल्शियम के तौर पे ये है चूना, जो आपको पान की दुकान पे मिल जाएगा, आप उसे सुखा के इस तरह से पाउडर बना लें। और ये है लाल मिर्ची, जो होती है सूखी हुई, उसके बीज है, इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये जैसे वॉर्म्स पेट में जो तो वॉर्म्स कम बनते हैं। और ये है हिंगोली, ये तो डाबर की मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और भी कंपनी की हिंगोली यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो हिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिंग मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा, हिंग में सिर्फ हिंग होते हैं, आपको इस तरह से मिले कि आपको चूर करना होगा, पाउडर की तरह करना होगा। तो मैं हिंगोली से ये यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें हिंग के साथ साथ बाकी जो मटेरियल हैं डाइजेस्टिव वाले वो इसमें मिल जाएंगे, हिंग में सिर्फ हिंग मिलेंगे, इसलिए मैं हिंगोली यूज़ करता हूँ। तो इधर देखते हैं जिप्सम सॉल्ट का जो तो लिमिट एकदम लिमिटेड रहेगी, 100 ग्राम पे 5 ग्राम सॉल्ट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बाकी चीज़ कम ज़्यादा चल सकती है लेकिन सॉल्ट एकदम नहीं। अगर 1 किलो आप बनाते हो ग्रीड तोलने के बाद तो उसमें लास्ट में ये मिला देना 50 ग्राम, यानी 100 ग्राम पे 5 ग्राम नमक होनी चाहिए। और कैल्शियम भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जोड़ वाले कबूतर इस टाइम ज़्यादा है नहीं, सारे कबूतर फूट करते हैं, इसलिए कैल्शियम मैं कम डालूँगा। अगर जोड़ पे कबूतर होते हैं तो कैल्शियम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आइए बनाते हैं ग्रीड। ये लिया चिकनी मिट्टी, थोड़ा सा इसमें लेंगे लाल बालू, रेड सैंड, और इसमें मिलाते हैं थोड़ी सी मिर्ची की बीज, और अब आ रही है कैल्शियम की। हाँ, काफ़ी तेज लग रहा है क्योंकि मिर्ची काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। और कैल्शियम के तौर पे आप चाहे तो अंडे के छिलके यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मार्बल के मोजाइक के दाने होते हैं 0 नंबर के, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बारी है आज मोटे हिंगोली की, ये आप और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं लिमिटेड बना रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, मैं बाद में इसमें पूरी मात्रा मिलाऊंगा। अभी मैं इतने में 15-20 पैकेट आप हिंगोली की यूज़ कर सकते हैं, एक पैकेट में 4 गोली होती है, तो आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए। और आप सॉल्ट का बराबर ध्यान दीजिएगा, जितना ग्रीट हो उस हिसाब से 100 ग्राम पे 5 ग्राम सॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, ये
मांसपेशियों को गलाने लगता है, हड्डियों को गलाने का भी काम कर देता है, इसलिए लिमिटेड ठीक है। हालांकि इसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप अपने हिसाब से इसको किसी गमले में या फिर किसी टब में या किसी थाली में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लॉफ्ट में रख दें और उसके बाद देखेंगे तो उधर दाने छोड़ के यही खाएंगे मजे से। और काफ़ी जो तो ये उनकी जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की ये पूरा कर देते हैं, तो बेहतर है कि ग्रीट ज़रूर यूज़ करें ताकि उनकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और क्या है, ये खाने से उनके मूड भी थोड़े फ्रेश होते हैं। एक ही तरह के दाने खा खा के बोर हो जाते हैं, इसलिए उन मूड चेंज करने के लिए भी ये काफ़ी उनके लिए ज़रूरी है। पेट के लिए तो इसमें खैर है ही, इसमें मैंने डाइजेस्टिव के लिए हिंगोली यूज़ किया हूँ। इसमें आप और भी और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे शहद है और जो समुद्री झाग होते हैं, समुद्री पेन जिसे बोलते हैं, कटल बोन जिसे बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। बाय। लाइक माय फेसबुक पेज पिजन एंड फाल्कन वे, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, विजिट टू माय ब्लॉग www.pigeonandfalconry.blogspot.com।